Sorry guys for the previous video which was a sudden cut due to a sudden problem in my device. However, we will be continuing from the next topic. So well, we have discussed so far in the polymers about the classification on the basis of source, that we have discussed about the natural, semi-synthetic and synthetic. Now in this lecture, we are supposed to discuss the classification on the basis of structure. So if you see on the basis of structure, we have three kinds of sub-classification, that is linear, branched and cross-linked. So in linear structure, we have just a linear structure as we have seen the example of polythene in the previous video. So it was just a linear like this. So why I am drawing it like this? Because ethene, you see, you have seen that it is joining something like this. This was ethene, a double bond broken down, and again another ethene got connected. So this was the repeating unit what we used to get. Okay. So this was just joining linearly in the form of line. So that is why linear itself indicates line. Linear words indicates line. So that is in a single line, so we have a single structure. However, if we discuss about the branching, so branching will include a small little branches, that is low density polythene. लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लो डेंसिटी पॉलीथीन जो जिसमें जनरली सब्जियां वगैरह मार्केट में जो सब्जी वेंडर्स होते हैं वो पहले बेचा करते थे अब तो कुछ स्टेट का बैन भी है वो तो वो जनरली बहुत लो होता है बहुत पतला होता है उसको इफ यू वांट टू टियर इट विल बी इजीली टियर्ड ऑफ लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन की अगर आप बात करें तो दिस इज लाइक हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसकी टफनेस थोड़ी ज़्यादा है सो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है या फिर आप लोग बिग बाजार या फिर वी मार्ट और शॉपिंग मॉल में आप जब जाते हैं तो वहाँ पहले कैरी बैग्स जो मिला करते थे आजकल तो जूट बैग में कन्वर्ट हो चुका है ड्यू टू द बैन ऑन द पॉलीथीन और प्लास्टिक बिकॉज वो डिकम्पोजिबल है नहीं इजिली सो यहाँ पर ये ब्रांचिंग होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन में लेकिन वही अगर हम क्रॉस लिंक्स की बात करें यानी कि एक लीनियर स्ट्रक्चर दूसरा लीनियर स्ट्रक्चर तीसरा लीनियर स्ट्रक्चर और उनके बीच में ऑल सडन ब्रांचेस होते हैं एक लीनियर दूसरे तीसरे को कनेक्ट करेगा ये फर्दर आगे बढ़े को सो ये क्रॉस लिंक होता है ये जनरली बेकेलाइट जैसे पॉलीमर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें आपको कनेक्शन भी दिखेगा कि कौन सा लेयर किससे कंबाइन हो रहा है कौन सा किसमें क्रॉस लिंक्स है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो वी विल ऑल गेट क्लियर इट आउट सो लीनियर में आप लोगों ने समझा कि लीनियर ये होता है ब्रांच में छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं आप लोग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जब तो और अच्छे से क्लियर होगा और इसके बाद से हमारे पास क्रॉस लिंक्स होता है कि एक लीनियर वाला स्ट्रक्चर मतलब एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्टेड होता है अब बात करते हैं थर्ड मोड दैट इज ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द मोड ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो यहाँ पर हम लोग को दो तरह के पॉलीमराइजेशन एडिशन और कंडेंसेशन सेम ये दोनों स्टेप ग्रोथ में भी है बिकॉज जब ये कंबाइन करते हैं तो ये ग्रोथ होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का जो एडिशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन थोड़ा सा सिमिलर है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है व्हाई हाउ इट इज सिमिलर बिकॉज दोनों में ऐड करना है एंड हाउ इट इज डिफरेंट सिर्फ कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट निकलेगा एडिशन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा सो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोगों ने पॉलीथीन के बारे में देखा तो पॉलीथीन का स्ट्रक्चर हमने देखा या फिर चलो मैं पॉलीथीन की बात नहीं करता हूँ बिकॉज पॉलीथीन को आप लोग समझ चुके हैं पॉलीस्टीरीन की बात करता हूँ तो पॉलीस्टीरीन तो स्टीरीन को बहुत लोग नहीं समझ पाते कि स्टाइरीन है क्या कुछ लोग स्टाइरीन बोलते हैं कुछ लोग स्टीरीन बोलते हैं सो डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनंसिएशन व्हाट यू वांट टू टेक सो स्टाइरीन इज समथिंग लाइक दिस व्हिच आई कैन ड्रॉ विद अ बेंजीन रिंग एंड हियर वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2 ओके सो व्हाई आई एम टेकिंग द पॉली ओके सब आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये C6H5 है क्योंकि बेंजीन का C6H6 होता है एक हाइड्रोजन यहाँ हटा करके हमने ये विनाइल वाला ग्रुप लगा दिया इसलिए हम लोगों ने इसके फॉर्मूला को लिख सकते हैं हम C6H5CH CH2 तो अगर आप पॉलीस्टीरीन की बात करें आपकी बुक में ऐसा दिया होगा और डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है बट इसको स्ट्रक्चर से आप समझेंगे किसी भी रिएक्शन को अगर आप स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर को बना करके समझते हैं तो दैट गोज इजियर वे फॉर यू सो लेट अस डिस्कस अबाउट पॉलीस्टीरीन इन केस ऑफ पॉलीस्टीरीन वी हैव वन बेंजीन रिंग that I have taken over here, that is C6H5 chain, CH double bond CH2. Polystyrene है ना, तो n times लेते हैं, एक और polystyrene ले लेता हूँ मैं, CH double bond CH2, एक और ले लेता हूँ, ऐसे करते करते आप n times ले सकते हैं, I hope समझ रहा है ना, आ रही समझ में, तो यहाँ पर अगर, with any reason, एक्चुअली ये अपने आप टूटेगा नहीं इसके लिए हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप डालते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ था तो मैं इस बॉन्ड को मान लेकर तोड़ देता हूँ तो अगर इस ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा
इसी तरीके से ये टूटेगा तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यही चीज बार बार रिपीट होगा, ये आगे से फर्दर कंबाइन होगा, ये पीछे से कंबाइन होगा, यानी कि n टाइम्स ऑफ, अगर आपके पास स्टाइरीन है CH डबल बॉन्ड CH2 तो आपके पास आफ्टर पॉलीमराइजेशन जो प्रोडक्ट आएगा वो समथिंग कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर ये वाला फिनाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, देन दिस इज CH, दिस इज सिंगल बॉन्ड CH2, वाई सिंगल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड टूटा था तभी तो ये आगे कंबाइन हो रहा था और ये पीछे, तो ये वाला पार्ट आपका एन टाइम्स रिपीट कर रहा है। आपके बुक में सिंपल सा ये स्ट्रक्चर दिया, इसके बाद पॉलीमराइजेशन लिख करके ऐसे लिख दिया CH CH2, दिस इज एन टाइम्स और यहाँ पर आपके पास C6H5 लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं और ये कार्बन कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर ये आई थिंक एडिशनल पॉलीमराइजेशन आप लोगों को क्लियर है कि सिंपल इसमें एडिशनल है, देर इज नो बाई प्रोडक्ट जो यहाँ से निकल रहा है। लेकिन अब हम अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, इज इट क्लियर? आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्यूना एस का ले लेते हैं ताकि तुम लोग स्टाइरीन का पढ़े हो और ब्यूना एस के बारे में भी मैं बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को और ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। सो ब्यूना एस की बात करते हैं, या ब्यूना एस आपका 1,3-diene, ये आपका एडिशन नहीं आ जाएगा ब्यूना एस, लेट अस टेक नाइलॉन 6.6, ओके लेट मी चेक इट आउट फॉर यू। दोनों देख लेते हैं, ब्यूना एस भी देख लेते हैं और ये नाइलॉन 6.6। तो ये ब्यूना जो है, ये ब्यूना वर्ड आता है आपके ब्यूटेन, कहीं भी ये ब्यूना दिखेगा तो आपको लगाना है ब्यूटेन 1,3-diene और S का मतलब होता है styrene, S-T-Y-R-E-N-E, okay? So butane 1, but मतलब कितना कार्बन? 4, 1, 2, 3, 4, okay? यहाँ पर हमारे पास 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, 2, 3 पे भी डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, H 2 होंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बन 4 का नंबर आता है टेट्राकोवेलेंसी प्रॉपर्टी, इसके 3 बन चुके हैं, तो इसका एक H, इसका एक H, इसके 2 H, तो मैं दोनों H को यहाँ पर भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब स्टाइरीन बनाना है, तो स्टाइरीन में क्या करेंगे, यहाँ बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि पॉलीमराइजेशन करना है तो बहुत सारे मोल्स लेंगे, एन मोल्स इसके, एन मोल्स इसके, तो मैं आगे फर्दर ब्यूटेन 1,3-diene ले ले रहा हूँ, सपोज सी 1, 2, 3, 4, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एच, एच यहाँ एक एच, एक एच यहाँ पर भी एच, एच, फिर आगे आप स्टाइरीन ले सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरीके से इधर से पीछे CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, इसको ऐड कर रहे हैं चूंकि, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला जब डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ तोड़ी देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करके बीच में डबल बॉन्ड बना देगा और ये वाला पीछे से बनाएगा, ये वाला इसके डबल बॉन्ड टूटने से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे वाले से बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब ये फिर वाला इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 सब जगह इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा अगेन ये आगे वाले से। तो आप कुल मिलाकर के देखें तो ये वाला जो आपका यूनिट है यही एंड टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया ब्यूना और ये हो गया स्टाइरीन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूना एस। तो अगर आपसे कोई ब्यूना एस का पूछे तो आपको क्या करना है, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एच एच, फिर यहाँ एक एच, एक एच, एच एच, ये एन टाइम्स था प्लस आपने एन टाइम्स क्या ले लिया, स्टाइरीन ले लिया। मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, चूंकि ब्रैकिंग सही है तो इट विल बी इजियर फॉर यू पीपल टू
अंडरस्टैंड. तो मैं C6H5 को बना लेता हूँ बस यहाँ पर. दिस इज C6H5. ग्रेट. नाउ ये बॉन्ड टूटेगा जब, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये टूटेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन करेंगे. फिर यहाँ पे तोड़ने के बाद यहाँ एक, यहाँ पे एक, तो दोनों जब कंबाइन होंगे एन एन टाइम्स, तो आपके पास जो पॉलीमर बनेगा यहाँ से सी सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर आपके पास सी सी एच, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर सी यहाँ एच एच, यहाँ भी एच एच था. और यहाँ पर ये वाला कार्बन और इस कार्बन से सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और ये मेथेन रिंग को कैच करेगा और ये एज इट इज एंड कर. ये हो गया आपका ब्यूना एस. सो ब्यूटिया 1,3-diene का स्टाइरीन का पॉलीमर हो गया. अंडरस्टूड? वेरी इजी टू गो. नेक्स्ट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर. लेट अस सी अबाउट द नायलॉन 6 नंबर 6. सो दैट इज अगेन अ वेरी इजी टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड इट लेट मी नो. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क फॉर मी. आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे. ओके. बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की. नाम ही बता रहा है क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है. तो यहाँ थोड़े बाय प्रोडक्ट हम निकालेंगे, देखते हैं. तो नाइलॉन 6.6 की बात करते हैं. नाइलॉन आपने सुना होगा. नाइलॉन 6.6 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को जो अच्छा एक इसमें दो चीज़ आप लोगों को समझना है. एक होता है मोनोमर जो बार बार रिपीट होकर के पॉलीमर बनाता है. तो कई सारे पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हम पॉलीथीन की बात करते थे, उसमें पॉलीथीन में क्या था, सिंगल तरह का मोनोमर था, एक ही रिपीटिंग यूनिट का, तो उसमें एक मोनोमर था तो वो सिंगल हो गया. लेकिन अगर दो मोनोमर होंगे अलग अलग तो वो तुम्हारे को पॉलीमर कहलाता है. ठीक है, तो दो होंगे तो को कहलाता है. उसमें ज़्यादा ये चीज़ें नहीं, आपको थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ सकते हैं. कंडेंसेशन पॉलीमर्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं हेक्सामिथिलीन डायमाइड. देखो नाम कितना मस्त नाम है इसका, हेक्सामिथिलीन डायमाइड प्लस एडीपी के सी. ये सारे अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ. इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को देखें, आप एक छोटा सा काम कीजिए. आपके पास पूरे बुक आई थिंक लगभग 22-23 इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं. उन सारे चैप्टर को एक पीस ऑफ A4 शीट पेपर लीजिए, सबको बनाइए, जिसमें आपका इथीन आएगा, ब्यूटेन 1,3-diene आएगा, स्टीरीन आएगा, नियोप्रीन आएगा, आइसोप्रीन आएगा, सारे जितने भी स्ट्रक्चर में बेके लाइट होंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स का मतलब पॉलीमर वाला पार्ट नहीं, सिर्फ मोनोमर वाला पार्ट जो रिपीटिंग यूनिट है, उसको जब एक बार बनाएंगे तो ये सारा चीज़ आपके दिमाग में जब एक बार याद रहेगा उसको याद करना है. और 17 चीज़ें याद कीजिए, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, सिर्फ दिमाग लगाना है और समझना है कॉन्सेप्ट को. तो फॉर्मूलाज हैं, उसको आप लोग याद करेंगे तो ही कुछ हो सकता है, उसमें सचिन सर आपका कुछ नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास है हेक्सामिथिलीन डायमाइड. तो मिथिलीन आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि मिथिलीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं बन सकता है, जब भी बनेगा मिथिलीन ही बनेगा. तो मिथिलीन में क्या करेंगे, CH2 कितनी बार है जी, 6 बार. हेक्सामिथिलीन इधर भी एक अमाइन NH2, इधर भी एक अमाइन NH2. दिस इज हेक्सामिथिलीन डाई अमाइन. एडीपी के सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड है CO. चलो मैं इसका फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहा हूँ. दिस इज COOH, यहाँ पर CH2 चार बार आएगा और COOH. स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, एक ही बार कंडेंसेशन करूंगा, बाकी एन टाइम्स आप लगा करके कर सकते हैं, समझिएगा. अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं उसको शेयर करवा दूंगा अपनी टीम से. सो NH2 बॉन्ड CH2 6 टाइम्स एंड NH2. सो हियर वी डू हैव इज एन एच एच, दिस इज CH2 6 टाइम्स. 6 बार आप CH2 लिख सकते हैं, मैं लॉन्ग करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल से ऐसे. और CH2 में तो जाहिर सी बात है जो टर्मिनल के कार्बन होंगे वो तो बॉन्ड बनाए गए. तो यहाँ पर CH2 6 टाइम्स, देन अगेन N H H प्लस इसको बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड O O H, फिर आपका CH2 4 टाइम्स, दिस इज C डबल बॉन्ड O O H. ओके, यहाँ से मैं एक H अभी की कंडेंसेशन करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, लेट मी टेक सम अदर इंक फॉर यू. I'm taking out this hydrogen and this OH from here. आप लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ा होगा
एस्टेरिफिकेशन के अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH माइनस आयन निकलता है और अल्कोहल से ORH का बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि अल्कोहल OH माइनस ही देगा, कई बार OH माइनस से हम लोग H प्लस को निकालते हैं, तो वो हम लोगों का रिएक्शन था अल्कोहल्स में क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, CO बॉन्ड भी था OH बॉन्ड भी था, तो OH बॉन्ड के अंदर एस्टेरिफिकेशन आपको देखा। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा जब हमारे पास सब वैसे ये पीछे वाला एच जाएगा, वैसे ये आगे वाला OH जाएगा, ये बार बार एन टाइम्स होते जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा NH CH2 सिक्स टाइम्स, दिस इज यहाँ पे क्या बचा NH, NH लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या बचा CO, ये बना CO, फिर CH2 कितनी बार फोर टाइम्स, देन CO आगे से फिर एस टू, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर मेरा एन टाइम्स रिपीट हो रहा है ना जी। तो इसीलिए इसका नाम होता है हम लोग का नाइलॉन 6.6। सो दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द कंडेंसेशन, क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला यहाँ से वाटर को निकाला, एच टू रिमूव हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, व्हाई बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, तो प्लस एच टू कितने निकलेंगे एन टाइम्स ऑफ कंडेंसेशन करेंगे एन टाइम्स ऑफ एच टू निकलेगा, लेकिन मेन पॉलीमर हमारे पास नाइलॉन 6.6। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर नाइलॉन 6.6 आफ्टर पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड एडीपीटीसी। बात करते हैं नेक्स्ट और डिटेल्स में हम जाएंगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस, लास्ट वाला जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें हमारे पास है इलास्टोमर्स पहला, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेफिक, चार चीजें पढ़नी है, बहुत सिंपल सी है, बुक से भी आप रीड कर सकते हैं। इलास्टोमर्स आपने पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी होती है, 11th क्लास में यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने देखा होगा। तो ये इलास्टोमर्स होते हैं, जनरली ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी स्ट्रेस्ड आउट, जैसे कि एग्जांपल है ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोक्रीन, रबर, आइसोप्रीन वगैरह, ये सब चीज़ आप लोग आएंगे अभी नेक्स्ट नेक्स्ट धीरे धीरे, तो हम सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और समझेंगे। फाइबर्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, हाई हार्ड होते हैं, फाइबर्स के चेयर्स वगैरह होते हैं थोड़े से, वो भी पॉलीमर है एक तरह का, नायलॉन 6.6 जो होता है ये फाइबर ही है। देन वी हैव थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक नाम ही है, थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, थर्मो मतलब मूवमेंट का हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, सो मूविंग हीट के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर थर्म का मतलब होता है हीट और प्लास्टिक, मतलब हीट से आप प्लास्टिक को शेप दे सकते हैं, जैसे पीवीसी पाइप्स आपको मोड़ना होता है तो आप क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, थोड़ा सा पिघल जाता है तो उसको मोड़ देते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। यहाँ पर वही चीज़ें करना है, थर्मोप्लास्टिक में वही अपने शेप को रीगेन, मतलब दूसरे शेप में हो सकता है, बट अगर आप थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो आपने हीट दे करके उसको सेट कर दिया, उसको दोबारा आप लोग सेट नहीं करें, यानी कि हमारे पास एक बार उसको हीट दे करके टेम्परेचर दे करके आपने सेट कर दिया तो वो चीज़ें वैसे ही सेट हो जाएंगी। मेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेलडिहाइड रेजिन्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, बाकी क्लासिफिकेशन में इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। So thanks for watching this video. I hope you like it. Enjoy. I'll be soon coming with the next video, which will be on the basis of the various reactions that we will see in this particular chapter. So I hope in next 2 to 3 videos, I'll try my best to find this chapter out. Thank you so much, class.